ये आता है आपका 95.26%, 95% आपकी ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी बन गई है, जबकि हर इंडिविजुअल की कितनी है 85%। अब इसमें हम देखते हैं फर्दर, अब देखें अगर आप सिस्टम को डिफाइन कर लें 1 out of 6, यानी 6 में से 1 पंप भी चल रहा होगा तो सिस्टम चलेगा, तो उसकी रिलायबिलिटी देखिए 99.9989% है। और अगर आप 2 out of 6 कर लें या 2 out of K करें, 2 K आपका 6 ही है, तो 2 out of 6 करें तो 99.96 है, 3 out of 6 करें तो 0.99 है, 4 out of 6 करें तो 0.95 है, 5 out of 6 करें तो 0.77 है। तो लेकिन अगर आप 6 out of 6 करें, यानी 6 पंप हैं, 6 के 6 चलने चाहिए, तो देखें आप उसकी रिलायबिलिटी बहुत कम हो जाती है सिस्टम की, क्योंकि उसमें से अगर एक भी फॉल्टी हो जाएगा तो आपका ओवरऑल सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इट्स जस्ट लाइक अ सीरीज सिस्टम, सीरीज की तरह बन जाएगा ये। अच्छा जी, अब इसमें हम देखते हैं कि ये वही 2 out of 3 लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये आइडिया कंप्यूटर सिस्टम से लिया गया है, कंप्यूटर्स के अंदर हार्ड ड्राइव्स के अंदर अगर हम जो है वो एक एग्जांपल अभी हम देख रहे हैं जिसमें हार्ड ड्राइव्स की रिलायबिलिटी, 3 हार्ड ड्राइव्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉन्फिगर्ड रिलायबिलिटी वाइज इन पैरेलल, एटलीस्ट 2 of them मस्ट फंक्शन इन ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली। ईच हार्ड ड्राइव इज ऑफ द सेम साइज एंड स्पीड बट दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मैनुफेक्चरर्स एंड हैव डिफरेंट रिलायबिलिटीज। हार्डवेयर हार्ड ड्राइव 1 की कितने, 0.9 है, 0.88 है और 0.85 है। अब ये डिफरेंट क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये उनकी रिलायबिलिटीज़ हैं। तो अब हमने क्या बनाना है, 2 out of 3 की कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। तो उसमें हम कैसे बनाएंगे, 2 out of 3 में क्या होगा, द सिस्टम विल वर्क व्हेन 3 out of 3, यानी ये कॉम्बिनेशन आपका बन जाएगा 3 और 3 के साथ, थ्री आउट ऑफ 3 प्लस 2 out of 3, यानी 2 out of 3 ये दो ही बनेंगे आपकी कॉम्बिनेशन। या आप इसकी इस तरह से मॉडलिंग कर लें फॉर्मूले के तहत, या उस तरह से मॉडलिंग कर लें जो पहले हमने TMR की हुई है। इसमें हम देखते हैं तो ये जैसे P इज इक्वल टू R1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है, ये क्या होगी कि R1 इंटू R2 इंटू R3, यानी ये 1 वाली R3 हार्ड ड्राइव्स ऑपरेट, और प्लस प्लस का मतलब है और, यानी या ये हो या ये हो या ये हो, यानी ये प्रोबेबिलिटी के कोर्स एक अलग कोर्स है जिसमें हम ये प्रोबेबिलिटी निकालना सीखते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं +1 -R1 इंटू R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू 1 -R2 इंटू R3 प्लस R1 इंटू R2 इंटू 1 -R3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3 -2 R1 R2 R3। यही इक्वेशन को मैंने पहले इंप्लीमेंट किया हुआ था, जो मैंने TMR में शो किया हुआ था इसी हार्ड ड्राइव के सिस्टम में, ठीक है। इसको आप अपनी प्रोसेस के सिस्टम में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने जो अपनी रिसर्च में इसको इंजन के सेंसर्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ था। अच्छा, अब इसमें जो ओवरऑल सिस्टम की रिलायबिलिटी है वो 95.86% बन जाती है, जो कि इन तीनों से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर आप रिलायबिलिटी कहेंगे तीनों की बराबर है, तो ये वही एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये अब आपका एक्सप्रेशन इस तरह का जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो इसमें इसकी इक्वेशन जो है हम देखते हैं किस तरह से फॉर्मूले के तहत कैसे निकालनी है, जो बाइनोमियल फार्मूला, बाइनोमियल अप्रोच, बाइनोमियल थ्योरम से ये निकली है ना, तो इसलिए इसको बाइनोमियल अप्रोच कह सकते हैं हम। 3 3 2, यानी 3 में से 2 चलें तो R² into 1 - R प्लस 3 में से 3 चलें R³ into 1 - R, यानी ये वाला जो फार्मूला है ना, ये इस केस में लगाना आसान है कि जब सबकी रिलायबिलिटीज इक्वल होंगी, बल्कि आपने लगाना ही तभी है जब सबकी इक्वल आए। अगर डिफरेंट आएंगे तो आप इसको इस तरीके से जो है वो सॉल्व कर लें अलग-अलग, इसको सेपरेटली निकाल के। अच्छा, तो अब इसमें हम देखेंगे इसके वही एक्सप्रेशन बन रहा है, 3 R² - 2 R³, यानी बाइनोमियल फार्मूले से भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है और मैनुअली भी वही एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से